हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं करने वाला हूँ इस सैमसंग गलेक्सी F22 का चार्जिंग टेस्ट। इस फ़ोन में आती है 6000 mAh की बैटरी और बॉक्स के अंदर आता है एक 15 वोल्ट का चार्जर। तो देखते हैं फ़ोन को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। वैसे अभी बिल्कुल 0% बैटरी है इस फ़ोन में और आपको इसमें टाइप सी जैक भी मिल जाता है। तो मैं प्लग इन कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको स्टॉपवॉच को चालू कर दिया। तो बराबर वाले फ़ोन में आप देख लेना कितनी देर में कितना चार्ज होता है। इस फ़ोन को अभी 5 मिनट लगाए हुए हैं चार्जिंग को और अभी ये 4% चार्ज हुआ है। तो हम एक बार ऑन कर लेते हैं इसको और बाकी की जो चार्जिंग फ़ोन को ऑन किए हुए करते हैं। अब देखेंगे हम 10 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद कितना चार्ज होता है फ़ोन। अभी आप देख सकते हो 10 मिनट इसको हो चुके हैं और ये हुआ है 6% चार्ज है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, दो घंटे 16 मिनट अभी दिखा रहा है और 10 मिनट पहले हो चुके, यानी कि अप्रोक्स 2 घंटे 26 मिनट इसका जो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 2 घंटे 26 मिनट में फुल चार्ज होगा। बट एक्चुअल टाइम कितना लेगा वो हम देखते हैं, वीडियो के एंड में पता चल जाएगा आपको। 20 मिनट दोस्तों हो चुके हैं इस फ़ोन को चार्जिंग लगाए हुए और मैं आपको दिखा दूं अभी ये हुआ है सिर्फ 11% चार्ज। मेरे हिसाब से तो काफ़ी स्लो चार्जिंग है 15 वोल्ट के चार्जर के हिसाब से। 30 मिनट के बाद ये चार्ज हो गया है 18%, 40 मिनट के बाद ये चार्ज हो चुका है 25%। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये फ़ोन 25 वोल्ट के चार्जर तक को सपोर्ट करता है बट कंपनी ने सिर्फ 15 वोल्ट का चार्जर बॉक्स में दिया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो ज़्यादा वोल्ट के चार्जर के साथ इसका टेस्ट किया जाए तो जो जो देखना चाहते हो ना कमेंट में लिख दो। 50 मिनट के बाद ये चार्ज हो चुका है 31%। जब हमने इसको चार्जिंग में लगाया था स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी स्लो चार्ज कर रहा था, हालांकि अब थोड़ी स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। 60 मिनट के बाद देखें तो ये चार्ज हो चुका है 38%। अभी हो चुके हैं 1 घंटा 10 मिनट और ये चार्ज हो चुका है 44%। और अभी स्क्रीन पर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी देख रहे होंगे तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर इजीली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी देखते हैं 10 मिनट बाद और कितना ये चार्ज होगा। दोस्तों 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं अभी इसको और ये चार्ज हुआ है 48%। 1 घंटा 30 मिनट हो चुके हैं और ये चार्ज हुआ अभी सिर्फ 54%। लगभग लगभग 1.5 घंटा और लगने वाला है इसमें। अभी 1 घंटा 40 मिनट हो गई है और ये चार्ज हुआ है अभी 60%। तो 1 घंटा 40 मिनट यानी कि 100 मिनट हो चुकी हैं, तो 100 मिनट में 60%, तो एवरेज ये निकल जाती कि 10 मिनट में 6% ही चार्ज होता है। अभी इसको हो चुके हैं 1 घंटा 50 मिनट और ये चार्ज हो चुका है 66%। पूरे 2 घंटे होने के बाद ये चार्ज हुआ है 70%। 2 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं और ये लगभग चार्ज हो चुका है 75% ही चार्ज हो चुका है। 2 घंटे 20 मिनट के बाद ये चार्ज हो चुका है 79%। और कम से कम इसको लगभग 30 मिनट और लगने वाले मेरे अकॉर्डिंग, तो 2 घंटे 30 मिनट इसको होने वाले हैं और ये चार्ज हो चुका है 83%। फ्रेंड्स 2 घंटे 40 मिनट इसको हो चुके हैं और ये चार्ज हो चुका है 87%। इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है अभी 88 हो गई है। अभी 2 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं और ये चार्ज हो चुका है 92% बैटरी इसकी चार्ज हो चुकी है। फ्रेंड्स फाइनली 100% चार्ज हो चुका है ये फ़ोन, आप देख सकते हो। और इसको टाइम लगा 3 घंटे 10 मिनट का, काफ़ी लंबा टाइम इस फ़ोन ने ले लिया। हालांकि 6000 mAh की इसके अंदर बैटरी आती तो कंपनी को उस हिसाब से चार्जर भी देना चाहिए था 25 वोल्ट का, क्योंकि फ़ोन 25 वोल्ट के चार्जर को सपोर्ट भी करता है। अब 3-3 घंटे आज के टाइम में फ़ोन को चार्ज होने पर लग जाए तो
और आप लोग कमेंट करके बताओ किसी के पास अगर 6000 mAh बैटरी वाला फ़ोन है तो उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो का ये पर एंड, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।